जो ये रिसेंट स्नोफॉल हुआ, इससे हमारी कुछ सर्विसेज जैसे वाटर सप्लाई स्कीम्स है या हमारे पावर का जो है निज़ाम, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। उसका जायज़ा लेने और स्नो क्लियरेंस के हवाले से ऑन स्पॉट ये चीज़ें देखने के लिए मैंने अपने ऑफिसर्स के साथ डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया। बहुत सारे इलाकों में हम गए, गांधरबल से लेकर कंगन तक। तो हमने हॉस्पिटल्स हम गए, हॉस्पिटल में हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में जाना जांचा, अटेंडेंस ऑफ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, उसके साथ साथ जो है हमने स्नो क्लियरेंस का जायज़ा लिया। उसके साथ साथ जो है अवेलेबिलिटी ऑफ राशन, LPG और उसके अलावा जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कितनी डिस्ट्रप्शन हुई और वाटर सप्लाई स्कीम्स के हवाले से ओवरऑल जो हमने देखा। वाटर सप्लाई स्कीम्स में हमारे अभी 4 स्कीम्स ऐसी आउट ऑफ 137 4 स्कीम्स हैं जो अभी अंडर डिस्ट्रप्शन है, और हमारी कोशिश होगी कि कल आफ्टरनून तक उन चारों को रिस्टोर किया जाए। और जहाँ तक पावर के हवाले से है कि अभी तक हमारा कुछ 95% जो है पावर रिस्टोर हो गया, और हमारे जो ये 57 फीडर्स में से अभी 2 फीडर जो हैं वो अभी अप नहीं हुए, और हमारी कोशिश होगी कि शाम देर गए तक वो 2 फीडर भी हमारे अप हो जाएंगे, और होपफुली हम 100% जो है पावर सप्लाई को रिस्टोर कर पाएंगे। उसके अलावा जो है हमारा जो रोड क्लियरेंस है, जो स्नो क्लियरेंस जो है, उस हवाले से मैं कहूँगा कि हमारा जो 90% है मेजर रोड जो है प्रायरिटी फर्स्ट सेकंड के, वो सारे कंप्लीट, और लिंक्स रोड जो हमारे हैं उन पर भी हमारा काम चल रहा है, और 90% जो हमारा स्नो क्लियरेंस का काम कम्प्लीट हो गया है। और बाय टुडे इवनिंग, लेट इवनिंग या टुमारो मॉर्निंग 9 बजे तक ये हमारा पूरा 100% स्नो क्लियरेंस भी हो जाएगा। कुल मिला के जो भी हमारे ये जो स्नो से सर्विसेज या जो हमारी फैसिलिटी डिस्टर्ब्ड हुई थी, तो इसको शाम देर गए तक इंशाल्लाह सारे को 100% रिस्टोर किया जाएगा, ताकि लोगों को ऑन अकाउंट ऑफ दिस किसी किस्म की